रूस का बड़ा इकदाम, तुलबा को असलाह सिखाने का ऐलान, खतरे की घंटी बजा दी। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक रूस ने नए तालीमी साल के आगाज से तुलबा को असलहा चलाने समेत दीगर महारतें सिखाने का ऐलान कर दिया। तुलबा को क्लासों में निसाब के साथ साथ क्लाशनकोफ चलाने, जोड़ने, साफ करने और हैंड ग्रेनेड के साथ जंग के दौरान इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने का तरीका भी सिखाया जाएगा। सेकेंडरी स्कूल के आखिरी साल के तुलबा जिनकी उम्र 16 साल या इससे ज्यादा होगी उन्हें ही ये फौजी तरबियत दी जाएगी, जिसका मकसद उनको हिफाजत के बुनियादी उसूलों के बारे में बताना है। वाज़ह रहे कि 1980 की दिहाई में भी रूसी तुलबा को ये तरबियत दी जाती थी, जिस पर बाद में पाबंदी आयद कर दी गई थी। अप्रैल में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ड्रोन की ट्रेनिंग भी निसाब में शामिल करने पर जोर दिया था, जिस पर अमल करते हुए गुज़िश्ता माह तुलबा को ड्रोन चलाने और जोड़ने का तरीका सिखाने का ऐलान किया गया था। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौमे आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौमे आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।